गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट सीरीज का चैप्टर 3 खंड ख में नियोजित विकास की राजनीति के बारे में आज पढ़ाऊंगी। नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ ही है कि विकास के लिए किसी प्रकार से प्लानिंग के तहत या योजना के तहत कार्य करना। तो विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, देश स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद जो है किस तरीके से, क्योंकि भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, इसके पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो भारत के सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसका सामना करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास, क्योंकि 200 वर्षों तक शासन करने के बाद अंग्रेज खुद ही भारत को बिल्कुल खोखला कर चुके थे और सबसे बड़ा संकट आ गया था सामने भारत के की आर्थिक स्थिति की। किस तरीके से, तो यह लेसन का चैप्टर का नाम ही है नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि एक प्लानिंग के तहत किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत कोई भी कार्य किया जाता है तो वह बहुत सही होता है और उसका एडवांटेज या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट पर, विकास की अवधारणा, यानी कि सबसे बड़ी समस्या थी कि सोचा ये गया कि समस्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबको लेकर के थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो चुनौती थी भारत के सामने वह आर्थिक स्थिति थी और अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, उन लोगों के लिए भी समानता का अधिकार देने के लिए, समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने, ये सरकार ने ये सोचना शुरू कर दिया। अब आते हैं इस पॉइंट में, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास मॉडल के क्या विकल्प थे। तो विकास मॉडल के, स्वतंत्रता के समय भारत के लिए विकास मॉडल के विकल्प थे कि पहला था उदारवादी, जैसे उदारवादी पूंजीवादी जो अधिकतर यूरोप के अधिकांश हिस्सों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित थे। दूसरा मॉडल था जो कि सोवियत संघ में अपनाया गया, क्योंकि सोवियत संघ जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से थे। तत्कालीन समय में अधिकांश भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके पक्ष में थे और इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये बात स्पष्ट हो गई थी कि गरीबी समाप्ति करना आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक इन सब की जिम्मेदारी होगी और जो कि सबसे बड़ी और तात्कालिक आवश्यकता थी। ये जरूरी था कि देश को स्वतंत्र होने के बाद आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक इन सब के लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि ये सब देश में सबसे पहले इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए। दूसरा पॉइंट था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय नेताओं ने स्पष्ट किया था कि ब्रिटिश भारत सरकार की तरफ के व्यापारिक वर्ग के लोगों के लिए कार्य करते हैं और जब देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले सभी लोगों ने ये कहा कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही सहायता प्रदान किया, उच्च वर्ग के लोग ही जो कैपिटलिस्ट वर्ग के थे उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाया गया, वैसा भारतीय लोग नहीं करेंगे, बल्कि समानता का राइट्स है, समानता इक्वलिटी का राइट्स देते हुए सबको समान अवसर दिया जाएगा और सबके विकास के लिए समान रूप से कोशिश की जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि गरीबी उन्मूलन सामाजिक आर्थिक उत्थान का दायित्व सरकार का होगा। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया गया था उसी समय यह परिणाम कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था कि जो गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को दूर करने का जो कार्यक्रम है वो गवर्नमेंट ही उसके लिए कोई स्टेप कदम उठाएगी, गवर्नमेंट ही किसी प्रकार की पॉलिसी या नीति ले आएगी जिसके कारण गरीबी दूर हो सकती है देश की। उसके बाद जनता भी आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार को देना चाहती थी। अतः जनता चाहती थी कि नीति निर्माण का कार्य सरकार द्वारा किया जाए और गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी इन सब के लिए भी निवारण सीख हो। गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य को लेकर के ये सारे काम जो है यह क्या किया जाए कि यह अच्छी तरह से सरकार के द्वारा, सरकार के हाथों में दे दिया जाएगा तो सरकार इसको जनता के लिए अच्छे से कार्य कर सकती है। यह था
समक्ष क्या क्या स्वतंत्रता के समक्ष विकास मॉडल के क्या क्या रूप थे, तो यही थे विकास मॉडल के रूप की शिक्षा, शिक्षा बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन सबको लेकर के वह सरकार को दिया जाए। सरकार का सबसे बड़ा काम था कि आर्थिक स्थिति जो है अल्पसंख्यक से लेकर के सबको बराबर के रूप में दिया जाए और यहाँ पर गरीबी को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अब आते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ थी, तो सबसे पहला पॉइंट आता आधारभूत संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये विकास करना सबसे महत्वपूर्ण काम था क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए इसका विकास करना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण कदम था। आधारभूत संरचना में सिंचाई है, बिजली उत्पादन के शुरू की गई और हीरापुर भाखड़ा नंगल डैम जो है वह उसके लिए शुरू परियोजनाएँ या प्रोजेक्ट बनाए गए, खाली दोनों के कारखाने इकाइयाँ बनाई गई। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज भी लगाए गए जिससे कि कम से कम ही आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं भूमि सुधार। बहुत सारे भूमि सुधार किए गए, जैसे जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे या जो जमींदार वर्ग के थे, जमींदार प्रथा बिल्कुल खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय में जमींदारी प्रथा जो थी, उन जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन थी वो लेबरों को या वर्कर को या किसानों को देकर के खेती क्रॉप या फसल लगवाते थे और लगाने के बाद उसका मुल्ताना उनको नहीं दिया जाता था, इस तरह से उनका शोषण किया जाता था। तो सरकार ने क्या किया, देश को स्वतंत्र होने के बाद जितनी भी बेकार जमीन पड़ी थी उसको भी खेती योग्य बना दिया गया और जो जमींदारों के पास काफ़ी जमीनें पड़ी हुई थी वह भी लोगों में बांट दिए गए यानी जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। इसके बाद आते हैं खाद्य संकट एवं हरित क्रांति। देश के स्वतंत्र होने के बाद बहुत सारी समस्या देश के सामने आई 1960 के दशक में, जब 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस समय हमारे देश में यानी कि खाद्य संकट बहुत विशाल था, यानी बहुत विषम स्थिति थी उस समय की। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसी समय हरित क्रांति उन्होंने शुरू किया। यानी कि हरित क्रांति का मतलब ये होता है कि अच्छे बीजों को ले आना, अच्छी फसल तैयार करना, जमीनों में खाद यूरिया डाई पोटास यानी उसके मेनूर यानी खाद की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना जिससे कि फसल अच्छी हो सके, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया। और जो बाहर से अमेरिका से कुछ सपोर्ट लिया गया था लेकिन उसने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया था जिसके कारण खाद्य संकट ज़्यादातर गहरा गया था। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ऐसी स्थिति में 1967 में 1965 से अनेक भागों में भयंकर सूखा भी पड़ा था, यानी 1965 से 1967 के बीच में भयंकर सूखा भी पड़ा था जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई क्योंकि सूखा होने के कारण फसल नहीं हो पाई थी और खाद्य संकट की स्थिति बढ़ गई। खाद्यान्न संकट से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार उत्तर प्रदेश के लिए यानी कि राज्य जो है काफ़ी से प्रभावित हुए थे। खाद्य संकट की सबसे बड़ी भयानक स्थिति बिहार में थी, यहाँ के लगभग सभी लोग खाद्यान्न के अभाव में थे और खाद्य संकट को बढ़ाने में तात्कालिक सरकार की इलाकाबंदी प्रणाली जिम्मेदार थी। यानी कि जो सरकार थी वो क्या करती थी, जितनी भी जमीनें हैं उसको घेराबंदी या घेराबंदी कर देती थी और इस तरह से सबसे बड़ी समस्या उसकी यह भी थी, इसके लिए यह भी जिम्मेदार थी। खाद्य संकट की स्थिति में सरकार को गेहूँ का आयात करना पड़ा तथा विदेशी सहायता भी लेनी पड़ी थी, यानी अमेरिका से उसको सहायता भी लेनी पड़ी थी। और इस विपरीत परिस्थिति में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा अमेरिका के दबाव के कारण गेहूँ की उत्पादकता कई गुना बढ़ गई और भू स्वामियों को सर्वाधिक इसका लाभ मिला
जिसमें पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जो है काफी कृषि उद्योग में काफी संपन्न राज्य है। एक इससे देश की स्थापना की गई और क्योंकि